भारत की अब दिव्यांग क्रिकेट टीम इंटरनेशनल खेलने जाएगी और इस वक्त हमारे साथ दिव्यांग टीम के कैप्टन दिनेश कुमार मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं। दिनेश, कैसा सफर रहा अभी तक और अब इंटरनेशनल खेलने जा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहें? एक्चुअली मैं कहना चाहूँगा कि हमारी दिव्यांग क्रिकेट का जो सफ़र है वो काफ़ी कठिनाइयों से भरा रहा और अजीत वाड़ेकर सर ने इस दिव्यांग क्रिकेट एशन का जो इसको शुरुआत की थी वो 30 साल पहले मुंबई से शुरुआत की थी और इसको 30 साल में काफ़ी हमारे में उतार चढ़ाव आए। कोई BCCI वगैरह से हमारे को उस टाइम पर सपोर्ट नहीं मिलता था, गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई सपोर्ट नहीं मिलता था, तो दिव्यांग क्रिकेटरों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन अभी आने वाले टाइम में अभी BCCI ने हमारे को अप्रूवल दिया है कि हम वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे इंग्लैंड में, तो आने वाले टाइम में हमारा फ्यूचर सेफ है। अभी हम कह सकते हैं कि BCCI ने हमारी तरफ ध्यान दिया और आने वाले टाइम में हम सब दिव्यांग क्रिकेटरों को कहीं ना कहीं एक नॉर्मल क्रिकेटर की तरह वो सारी सुविधाएँ मिलेंगी जो एक BCCI एक क्रिकेटरों को देती है। तो क्या अभी जो अगस्त में आप बोल रहे हैं आने वाला वर्ल्ड कप है उसमें आप लोग खेलने जा रहे हैं? हाँ, उसमें इंडिया की टीम जाएगी। ये BCCI ने अप्रूवल कर दिया है वहाँ जाने के लिए और उसमें इंडिया की टीम एक BCCI के बैनर के नीचे पार्टिसिपेट करेगी। और कैसे, कहाँ प्रैक्टिस करते हैं, कैसे सब आपको जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड होती हैं? सब बच्चे अपने अपनी डिस्ट्रिक्टों में, अपनी अपनी स्टेटों में अलग अलग एशने बनी हुई है, वो सब बच्चे वहाँ पे उनके कैंप लगते हैं, वहाँ पे वो प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद जैसे BCCI का एक डोमेस्टिक लेवल पे रूल बने हुए हैं, डोमेस्टिक लेवल पे उनके प्रोग्राम होते हैं, वैसे ही हमारे हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट लेवल जोनल इंटर जोनल टूर्नामेंट होते हैं, उसी तरीके से बच्चों का सिलेक्शन और उसी तरीके से बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। तो अभी आप इंटरनेशनल खेलने जा रहे हैं और सरकार से ऐसे में क्या चाहते हैं? सरकार से यही चाहते हैं कि दिव्यांग क्रिकेटरों की तरफ भी ध्यान दिया जाए और जो बच्चे हमारे को सहानुभूति नहीं, हमारे को सुविधाएं दी जाएं। हम चाहते हैं कि हमारे को सुविधाएं दी जाएं और जो एक दिव्यांग नॉर्मल क्रिकेटर एक चाह रहा है कि उसको जॉब की फैसिलिटी, उसको आप जो बहुत सुविधाएं मिलती हैं वो दिव्यांग क्रिकेटरों को भी सुविधाएं मिले। बस मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ BCCI से भी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी। आखिरी सवाल पूछते हैं आपसे, अब जब आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं कैसा एक्साइटमेंट है टीम में, प्लेयर्स का कैसा एक्साइटमेंट है, क्या उम्मीदें हैं? सारे जितने भी देश में दिव्यांग क्रिकेटर है सभी में एक उत्साह है, एक जोश, एक जुनून है कि आज BCCI ने उनकी जो मेहनत थी आज उस BCCI ने उनको पहचाना और एक नया प्लेटफॉर्म देने के लिए BCCI हमारे साथ एग्री है और हम यही चाहेंगे कि इंडिया वर्ल्ड कप में जाएगा और हम वर्ल्ड कप जीत के आएंगे। तो ये थे हमारे साथ दिनेश कुमार जो दिव्यांग टीम के कैप्टन हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अनुप कुमार के साथ अर्पणा त्यागी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।